हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में आपको ना डबल फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो होम रेमेडी आज मैं लेके आई हूँ, एक तो वो आपके फेशियल हेयर को रिमूव करेगा, वो तो डेफिनेटली करेगा ही, और सेकंड आपका चेहरा बिल्कुल ब्राइट बना रहेगा, फेयर बना रहेगा इस गर्मी के सीजन में भी, है ना। तो कितना डबल फायदा, मतलब कि एक ही होम रेमेडी से आपके फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाएंगे और साथ ही आपका चेहरा बिल्कुल फेयर और ब्राइट बना रहेगा। और हाँ, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी फेशियल हेयर्स के ऊपर वीडियो है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हैं या फिर आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बाल है, आपके हार्ड बाल है या फिर आपके बहुत ज़्यादा तीखे तीखे बाल है, उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, मेरे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट वेट से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। उनके सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऐसी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि करना बिल्कुल फ्री है भाई। तो वीडियो लाइक करना वो भी बिल्कुल नहीं भूलना है। तो शुरू कर दें हम, लेट्स गो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आपको पील ऑफ मास्क। यहाँ पे मैं एवर यूज़ का पील ऑफ मास्क यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का पील ऑफ यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पे मैंने लगभग 3 चम्मच के अराउंड यहाँ पे पील ऑफ मास्क लिया है। फिर उसके बाद सेकंड हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है। इसका ये फ़ायदा होगा ना, जो आपके अपर लिप के अराउंड की स्किन डार्क हो गई है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद हम थर्ड इसमें लेंगे टोमेटो पेस्ट। टमाटर को मैंने कद्दूकस की हेल्प से इसको कद्दूकस करने के बाद जो पल्प इसका निकला है वो हम इसमें 1 चम्मच के अराउंड इसमें मिक्स कर देंगे। फिर इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने अपने अपर लिप के ऊपर या फुल फेस के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई भी आपके फेस के ऊपर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे स्किन को फेयर करता है, ब्राइट बनाता है, हेयर्स को रिमूव करता है। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तभी आपने इसको रिमूव करना है। बिल्कुल आराम से आपने रिमूव करना है इसको। आपको लिटिल बिट थोड़ा बहुत पेन होगा, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब आपके हेयर्स निकलेंगे तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा ना, अगर नहीं निकलेंगे तो नहीं होगा। तो उसके बाद जब आपके हेयर्स रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी एलोवेरा लेके आप जहाँ आपने अपने हेयर्स को रिमूव किया है वहाँ पर आप एलोवेरा जेल की अच्छे से मसाज कर लीजिए। इससे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इरिटेशन नहीं होगी और ये वहाँ की आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहेगी। हफ्ते में आपने इसको 2 बार लगाना है, जैसे 1 दिन लगाया उसके बाद 3 दिन छोड़ के फिर आप इसको लगा लीजिए। ऐसे 2 बार आप लगा सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कितने भी ना तो बिल्कुल ही ना जाइए, क्योंकि करना बिल्कुल फ्री है भाई। तो वीडियो लाइक करना, उधर से तो बिल्कुल कंजूसी ना करिए। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।